हेलो दोस्तों, आपको सुभलाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज है 26 जून 2023, आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है? और इसका सही आंसर है मिस्र। यानी मिस्र ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए मिस्र। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। मिस्र का राजधानी काहिरा है और मिस्र का राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी हैं। अब स्टैटिक जी के, अप्रैल 2016 में नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सेस मिला है। 2016 में अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमनउद्दल्ला खान पुरस्कार मिला है। वर्ष 2018 में फिलिस्तीनी का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीनी पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद मिला है। नेक्स्ट, रूस ने 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीप ने 2019 में अपना सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन दिया है। बहरीन ने पीएम मोदी को 2019 में द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा अवार्ड से सम्मानित किया है। 2023 में फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लघु ऑर्डर से सम्मानित किया है। और 2023 में ही पपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म निर्माता को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है करण जौहर। यानी करण जौहर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा सम्मानित किया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए करण जौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश के बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने किसे संगीत और कला में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मरणोत्तर उपाधि से सम्मानित किया है? और इसका सही आंसर है शंकर महादेवन। यानी ब्रिटेन के बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने शंकर महादेवन को संगीत और कला में योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी शंकर महादेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेहरान में आयोजित एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप 2023 में भारत के रेयान रजमी ने कौन सा पदक जीता है? और इसका सही आंसर है कांस्य पदक। यानी तेहरान में आयोजित एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप 2023 में भारत के रेयान रजमी ने कांस्य पदक जीते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी रेयान रजमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिन जर्मनी में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में तैराकी प्रतियोगिता के 25x4 फ्री स्टाइल रिले में पार्थना भाटिया ने कौन सा पदक जीती है? और इसका सही आंसर है रजत पदक। यानी बर्लिन में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में तैराकी प्रतियोगिता में प्रार्थना भाटिया ने रजत पदक जीती है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी रजत पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्सेल सियोलुकु किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? और इसका सही आंसर है रोमानिया। यानी मार्सेल सियोलुकु रोमानिया के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी रोमानिया। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बुकारेस्ट। और इसका करेंसी क्या है? रोमानिया लियू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ में यूरोपियन टूर इवेंट 2023 का खिताब किसने जीते हैं? और इसका सही आंसर है दीक्षा डगर। यानी गोल्फ में यूरोपियन टूर इवेंट 2023 का खिताब दीक्षा डगर ने जीती है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए दीक्षा डगर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जलवायु रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन है? और इसका सही आंसर है यूरोप। यानी जलवायु रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप यूरोप है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे टीम मैक्स मेन द्वारा 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 2023-24 का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और इसका सही आंसर है तेलंगाना में। यानी भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्यों में पुरातत्विक विभाग द्वारा पाषाण युग की रॉक पेंटिंग की खोज की गई है? और इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में पुरातत्विक विभाग द्वारा पाषाण युग की रॉक पेंटिंग की खोज की गई है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस शहर में पहला स्किन बैंक खोला गया है? और इसका सही आंसर है दिल्ली में। यानी हाल ही में दिल्ली में पहला स्किन बैंक खोला गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने भारत को अपनी तकनीकी शिक्षा के स्तर को बढ़ाने और शिक्षा के लिए उपलब्ध नौकरियों की संख्या विस्तार करने में सहायता करने के लिए कितने रुपये का ऋण मंजूर दी है? और इसका सही आंसर है $255.5 मिलियन। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए $255.5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्यों में परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $295 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर है बिहार। यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बिहार के परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार के लिए $295 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने तमिलनाडु में स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? और इसका सही आंसर है सेंटियागो चिली। यानी जूनियर महिला विश्व कप 2023 का आयोजन सेंटियागो चिली में होगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी सेंटियागो चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ द बॉय टू बिकम द बुद्ध नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है आदित्य कटोरी। यानी सिद्धार्थ द बॉय टू बिकम द बुद्ध नामक पुस्तक के लेखक हैं आदित्य कोटारी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए आदित्य कोटारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार विजेता और 1983 में रेनबो परियोजना का नेतृत्व करने वाली सिस्टर सिरिला का निधन हो गया, इनका संबंध किससे था? एक शिक्षिका थी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए शिक्षिका। यानी पद्मश्री पुरस्कार विजेता और 1983 में रेनबो परियोजना का नेतृत्व करने वाली सिस्टर सिरिला एक शिक्षिका थी और एक प्रिंसिपल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के संविधान के सहलेखक विक्टर सिनिस का निधन हो गया है? और इसका सही आंसर है रूस। यानी रूस के संविधान के सहलेखक विक्टर सिनिस का निधन हो गया। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए रूस। अब करेंट अफेयर्स रिवीजन।
भारतीय रिजर्व बैंक ने डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला वर्टिकल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रूबी सिन्हा। पानामा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित सेठ। रिलायंस समूह ने किसे समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? पारुल शर्मा। रो यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है? डॉक्टर ट्रेडस बेग्रेयसस। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? हसमुख अधिया। किसे दिल्ली विद्युत नियामक आयोग यानी DERC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उमेश कुमार। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोमल किशोर चटवाल। भारतीय आर्थिक व्यापार संगठन ने किसे US ईस्ट कोस्ट के निदेशक नियुक्त किया है? नूतन रुंगटा। नेक्स्ट, कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 अंग्रेजी में किसे मिला है? सुधा मूर्ति को। यूरोपियन एसे पुरस्कार 2023 किसे मिला है? अरुंधति रॉय को। जल शक्ति मंत्रालय ने किसे सर्वश्रेष्ठ NGO का पुरस्कार से सम्मानित किया है? AROH फाउंडेशन। COP28 जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? दुबई UAE। नेक्स्ट, नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंजाब ने। 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। बेसिक लैंगिक सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? 127वां। हारून इंडिया के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज।